हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरकॉम के बारे में। दोस्तों मैंने जो भी टारगेट दिया था रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में, दोस्तों वो सारा टारगेट जो है हिट हो चुका है। दोस्तों फिर भी आज से हम बात करेंगे कि क्या आज से इसका रणनीति क्या हो सकता है, फ्यूचर में क्या करें। तो दोस्तों हमारे चैनल में आपको बताया जाता है कि कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप प्रॉफिट या लॉस पहले ही बुक कर सकते हैं। दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन के उसके बारे में बात करने से पहले मैं कि आपको जो है कल का टॉपिक बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने कल तीन वीडियो अपलोड किया था। देखिए टेक महिंद्रा का, मदर सन का दोस्तों, और EMAI का, ये तीनों का वीडियो अपलोड किया था दोस्तों मैंने, और आपको बताया था कि इसका प्राइस जो है इंक्रीज़ होने वाला है, और विथ टारगेट के साथ मैंने बताया था कि इसका प्राइस जो है इंक्रीज़ होने वाला है। जिनको खरीदना है वो खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आज देखते हैं इसका रिजल्ट में कितना परिवर्तन आया हो, कितना फ़र्क आया है, क्या उसका प्राइस जो है इंक्रीज़ हुआ या नहीं हुआ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए 30 मई को मैंने जो है वीडियो अपलोड किया था, और आपको जो है वीडियो को प्ले करके आपको सुना देता हूँ क्या मैंने बोला था कि इसका प्राइस इंक्रीज होगा या नहीं। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज होने वाला है, मतलब उसमें आपको प्रॉफिट बुक करने वाला। तो देखिए दोस्तों ये इसका अभी जो, तो देखिए दोस्तों ये तो साफ साफ ये आपको डेमो की तरह मैंने बता दिया यहाँ पर कि देखिए ये जो टेक महिंद्रा का ये जो शेयर है इसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है, और अभी जो उसका प्राइस वहाँ चल रहा है दोस्तों 30 मई में 735 रुपये चल रहा है। ठीक ना दोस्तों, अगर आप चाहते हैं दोस्तों तो इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक दे दिया जाएगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब मैं दिखाता हूँ इसका, तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर देखिए अभी जो इसका करेंट प्राइस जो है मार्केट बंद होने के बाद है 760 रुपीज़ पे है दोस्तों, और इसका वहां पर प्राइस कितना था दोस्तों 735 रुपीज़। तो दोस्तों अगर 735 माइनस कर देंगे, और देखिए इसका हाईएस्ट कहां तक गया दोस्तों 763 तक, और यहां तक कि दोस्तों ये टॉप गेनर भी है। देखिए दोस्तों NSE का ये टॉप गेनर भी है, यहाँ पर देखिए 3.81, मतलब कि दोस्तों 4% दिया है और टॉप गेनर है। और यस बैंक देखिए बहुत ही लूज़र है दोस्तों, इसके पीछे तो भागना दोस्तों बहुत, मतलब अपने पाँव पे ही कुल्हाड़ी मारना है। मैंने दोस्तों पहले कम से कम 4 से 5 वीडियो मैंने बनाया दोस्तों यस बैंक के बारे में, और आपको जो है मैंने वहाँ वार्निंग दिया कि दोस्तों यस बैंक के पीछे ना भागे। अगर यस बैंक पर आप लोग फंस चुके हैं तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल कॉमेंट मत कीजिए, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप डायरेक्ट वहाँ से मुझे कॉल कर सकते हैं, अब मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। ये तो एक हो गया दोस्तों, देखिए इसमें टिक महिंद्रा में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, इसमें दोस्तों नो प्रॉफिट नो लॉस में अभी चल रहा है, नो लॉस में चल रहा है दोस्तों, नहीं प्रॉफिट हुआ नहीं लॉस हुआ। इसमें देखिए दोस्तों इसमें भी कम से कम 12 पॉइंट आपको मिला है, इसमें भी 12 पॉइंट मिला है। आप अगर दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर हैं तो बिल्कुल आप जाके मेरे वीडियो को सर्च कर सकते हैं, अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक चाहिए तो बिल्कुल आप कॉमेंट कर सकते हैं दोस्तों। नहीं तो मान लीजिए अगर आप कोई भी शेयर्स में फंसे हैं, PC ज्वेलरी, DHFL या कोई भी शेयर्स में, या यस बैंक किसी भी शेयर्स में फंसे हैं दोस्तों यारकॉम में, तो बिल्कुल दोस्तों आप मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए, मेरा नंबर रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि दोस्तों आप अगर मुझे कमेंट करते हो तो मुझे वहां पर जो है आपको रिप्लाई देने में, आपको समझाने में वहां मतलब थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप मुझे कॉल करोगे तो आपको जो है सीधे सीधे आपको बता दिया जाएगा। अब आते हैं दोस्तों आरकॉम के ऊपर, रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर। तो दोस्तों कम से कम तो मैंने 5 वीडियो बनाए हैं रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर, और मैंने आपको बताया, और दोस्तों किस टाइम मैंने आपको बताया, जब रिलायंस कम्युनिकेशन का प्राइस था 1 रुपीज़ 90 पैसा पर, और इसका प्राइस चला गया था, हाईएस्ट प्राइस इसका चला गया था 2 रुपीज़ 20 पैसा पर चला गया था। तो बहुत लोग हैं दोस्तों जो आपको बोल रहे थे बाय कर लीजिए, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में आपको बताया जा रहा था कि बाय कर लीजिए, इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन दोस्तों मैंने फिर उसके बाद आपको वीडियो बनाया, और वीडियो बनाने के बाद आपको आप तक ये जो है इन्फॉर्मेशन पहुंचाया कि नहीं रिलायंस कम्युनिकेशन में मत ट्रेड कीजिए, ये बहुत ही ख़तरनाक है। और दोस्तों इसका प्राइस फिर धीरे धीरे 2 रुपीज़ 15 पैसा, 2 रुपीज़ 10 पैसा, 2 रुपीज़ 5 पैसा, आज देखिए 2 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। और ये देखिए दोस्तों 2 दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, और 2 दिन से मैंने बताया इसका जो हाईएस्ट प्राइस है 2 रुपीज़ को क्रॉस ही नहीं कर रहा, मतलब कि दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन का एक सीधा मोटिव है पैसा लूटना आपसे। देखिए रिलायंस कम्युनिकेशन बैंकरप्टी हो चुका है, इंसॉल्वेंसी हो चुका है, मतलब कि ये कंपनी कल को ये 0 पर भी आ सकता है। यहाँ आप 2 जीरो देख रहे हैं ना, कल को यहाँ 3 जीरो भी हो सकता है। तो आप संभल के रहिए दोस्तों, अगर इसमें आपको चांस मिलता है, अच्छा चांस मिलता है, अगर इसमें थोड़ा भी अगर मान लीजिए कि इसमें तेजी आती है, तो आप अपना जो है शेयर्स को धीरे धीरे करके बेच दीजिए। नहीं तो दोस्तों अगर मान लीजिए आपको कोई भी और प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट कॉल कीजिए मुझे, और मुझसे जो भी है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ से जो है सर्विस दिया जाता है, और वहाँ पर आपको बताया जाता है कि कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज होने वाला है और डिक्रीज होने वाला, उससे आप दोस्तों प्रॉफिट हैं।
तो देखिए दोस्तों, मैंने 100 से भी ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। अगर आपको बिलीव नहीं है तो मैंने दोस्तों 100 से भी ज़्यादा वीडियो बनाया है, कम से कम 120-130 मैंने वीडियो बना के अपलोड किया दोस्तों। और मैंने किसी मेरे किसी भी शेयर्स में दोस्तों ये लॉस नहीं हुआ, किसी भी शेयर्स में लॉस नहीं हुआ। तो दोस्तों देखिए 100 टाइम दोस्तों 100 में से एक दो टाइम तो लॉस हो ही जाना चाहिए, एक या दो टाइम तो लॉस हो ही जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों मेरे किसी भी शेयर्स में लॉस नहीं हुआ। यहाँ देखिए टाटा मोटर, यस बैंक, मैक्रो शेयर, टाटा मोटर, वेदांता, यहाँ पर देखिए इंफ्राट्रेल, यस बैंक, लुपिन, और यहाँ पर देखिए यस बैंक, वेदांता, यही है अभी। फिर देखिए औरंदो फार्मा, ये ओरिएंट पेपर, यस बैंक, टाटा मोटर, दोस्तों मैंने बहुत सारे, मतलब देखिए DHFL, आरकॉम, औरंदो फार्मा, बहुत सारे मैंने दोस्तों कम से कम तो मैंने 100 से भी ज़्यादा वीडियो बनाए हैं दोस्तों। और इसमें मैंने बताया कि अगर इसका प्राइस इंक्रीज़ होगा तो दोस्तों वहाँ पर जाके देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो है डेट होगा। आप दोस्तों डेट के बाद जाइए NSE का वेबसाइट पर, जाके वहाँ पर देखिए ऊपर में सर्च कीजिएगा, सर्च करने के बाद हिस्टोरिकल डाटा देखिए, वहाँ पर दोस्तों मैंने साफ साफ बताया कि प्राइस इंक्रीज होगा दोस्तों। वीडियो में मैं आपको जो है फंसाने वाला काम नहीं करता हूँ, जैसे कि देखिए मैं आपको ऐसे बात नहीं बोलूँगा कि हाँ ये जो वोल्टास है वोल्टास का प्राइस इंक्रीज होने का संभावना है, वोल्टास का प्राइस डिक्रीज होने का संभावना है, ये दोस्तों जाल है आपको फंसाने के लिए। मैं ऐसा बात बिल्कुल नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपसे सीधे सीधे बात करता हूँ, हाँ इसका प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है। और यहाँ तक कि दोस्तों हमारे वीडियो में आपको टारगेट भी बताया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक आपका जो है इंक्रीज़ हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ आपको मेरा जो है बहुत सारा टारगेट दोस्तों अचीव हो चुका है, कुछ ही मतलब कुछ चुनिंदे लोग जो हैं चुनिंदे वीडियो जो है उनका टारगेट ही बस अचीव होना बाकी है, नहीं तो दोस्तों सारा का वीडियो का जो है टारगेट अचीव हो चुका है। तो आप देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर डिस्क्रिप्शन में यहाँ देखिएगा तो यहाँ आपको डेट दिखाई देगा 27 में, ठीक ना, 27 में यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पर गूगल में सर्च मारिएगा NSE इंडिया करके हम सर्च मारिएगा तो यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप मतलब थोड़ा थोड़ा करके पैसा अगर डेली अर्न करें और दोस्तों आप अच्छा पैसा अर्न करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, बिल्कुल कॉल कीजिए दोस्तों, एक छोटा सा सर्विस लिया जाएगा दोस्तों, आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से काम किया जाएगा दोस्तों। आप 100 वीडियो है दोस्तों, 100 वीडियो में जाके देख लीजिए, एक में भी दोस्तों लॉस नहीं हुआ। अगर इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए ट्रायल और प्रूफ, तो देखिए दोस्तों NSE के वेबसाइट में यहाँ पर आप सर्च कीजिएगा, मान लीजिए यस बैंक, तो देखिए यस बैंक आ गया। पहले मेरा डिस्क्रिप्शन में डेट देख लीजिएगा, डेट देखने के बाद उसका है, फिर यहाँ पर देखिएगा हिस्टोरिकल डाटा में फिर देखिए दोस्तों यहाँ जो वन डे लिखा हुआ है इसमें क्लिक कीजिएगा और 3 मंथ तक डेटा यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ आपको 3 मंथ का डाटा, मान लीजिए दोस्तों जिनको नहीं पता है मैं उनको बताना चाहता हूँ, जिनको पता है मैं उनको हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ये सब तो आपको बेसिक पता ही होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता देता हूँ, मेरे वीडियो में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में डेट कौन सा डेट, फिर यहाँ पर मान लीजिए देखिए मैंने 30 को वीडियो जो है अपलोड किया तो मेरा जो वीडियो अप्लाई होगा 31 को अप्लाई होगा, क्योंकि मैंने दोस्तों 30 को मार्केट बंद होने के बाद जो है वीडियो अपलोड किया और आपको बताया इसका प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ओपन प्राइस दिया हुआ रहेगा, तो देखिए 30 को 150 पर ओपन हुआ था, अगर मैंने बोला प्राइस इसका इंक्रीज होगा तो यहाँ देखिए हाईएस्ट में 57 तो हाईएस्ट हुआ इसका प्राइस, मतलब इंक्रीज हुआ। ऐसे बहुत सारा डाटा, मान लीजिए कि मैंने यहाँ आपको 23 को वीडियो बनाया तो आप 24 को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जिनको नहीं पता है मैं उनको बताने के लिए ये ट्राई कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों जो लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको यही प्रॉफिट होता है, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ से आपको एक दिन पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि हाँ इस शेयर्स का प्राइस जो है इंक्रीज़ होने वाला है, आप इसको जो है कल सुबह में ओपन मार्केट ओपन होते ही आप आँख बंद करके इसको बाय कर सकते हैं और अपना जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों हमारे यहाँ से इंटरडे फ्यूचर कॉल ऑप्शन ये सब नहीं दिया जाता और देखिए ये सब कुछ भी नहीं दिया जाता दोस्तों। तो देखिए मैंने 3 वीडियो डाला था दोस्तों, 3 में से 2 का जो टारगेट है बहुत ज़्यादा अचीव ही मतलब करने का दोस्तों, अगर मैंने इसमें दिया था, इसमें 30 पॉइंट का टारगेट दिया था तो दोस्तों इसमें 30 पॉइंट तो अचीव हो चुका है। मैंने मान लीजिए इसमें 30 पॉइंट का टारगेट दिया था तो इसमें दोस्तों 12 पॉइंट अचीव हो चुका है, इसमें मैंने दिया था दोस्तों 20 पॉइंट का एग्जांपल मैं बोल रहा हूं दोस्तों, तो इसमें 1 या 2 पॉइंट अचीव हुआ है, लेकिन लॉस में नहीं है दोस्तों, लॉस में नहीं है दोस्तों। आप वीडियो को जाइए और NSE की वेबसाइट पर चेक कीजिए। तो दोस्तों जो लोग आरकॉम में फंसे हुए हैं मैं उनको इतना ही बोलना चाहूंगा, आरकॉम में देखिए दोस्तों कल को वो 0 रुपीज भी हो सकता है, अभी तो 2 रुपीज में ट्रेड हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि कंपनी खत्म हो चुकी है दोस्तों,
कंपनी के अंदर जितने भी असेट है वो सब भी मतलब बिकवाली करने वाले आए हैं, सब लोग मतलब पूरा कंपनी खत्म हो चुके। तो मैं इतना ही बोलूंगा, जो लोग हैं उसमें फंसे वो धीरे धीरे करके निकल जाइए, नहीं तो अगर आपको किसी भी शेयर्स में फंसे हुए हैं या कोई डाउट है दोस्तों, तो आप बिल्कुल जो है कॉल कीजिए मुझे, कभी भी कॉल कीजिए अगर आपको सर्विस या आप चाहते हैं प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए। तो दोस्तों हम आपको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करेंगे, और ये दोस्तों यूट्यूब में एज ट्रायल, एज ए दोस्तों ट्रायल आपको जो है यहाँ पर वीडियो अवेलेबल किया जाता है। यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना आपका काम है, सारा का जितना भी है वो सब आपका काम है, बस हमारा काम इतना ही है कि आपको जो है यहाँ पर एक ट्रायल दे देना, क्योंकि दोस्तों ये इसीलिए तो आपको बिलीव होगा कि मैंने 100 वीडियो डाला है, इसमें एक भी लॉस नहीं है। तो आपको अगर सर्विस चाहिए तो आप हमें कॉल कीजिए दोस्तों। हाँ, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर खराब लगा दोस्तों तो वीडियो को डिसलाइक कंपलसरी कीजिएगा दोस्तों, अगर वीडियो खराब लगा तो डिसलाइक कंपलसरी कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।